ओ भैया रे, ये क्या हो रहा है? ओ जज पवार एक्चु, ये किसके बर्थडे की तैयारी हो रही है? ओ, इतरा को। हेलो भैया, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आकाश पवार। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चून यहाँ पे छाना जा रहा है। यहाँ पे जितने सिलेंडर विलेंडर रखे हुए हैं, यहाँ पे सामान रखा हुआ है कट्टों के अंदर। इनमें यूरिया नहीं है, कभी आप सोचो यूरिया वूरिया, ये सारा सामान है। बिकॉज टुमारो इज़ अरुण्स बर्थडे, तो अरुण के बर्थडे के लिए हम लोग लिटिल लिटिल से एक प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत अच्छे एक शुभ काम कर रहे हैं, उसके लिए ये सामान हमने यहाँ पे रखा है। अच्छा, तो यूँ तो वैसे ही चले जाएगा हम लोग। हाँ तो यार, मैं अकेला भी वन वन हैंड से ही खींच दूंगा। देखो गाइस, मेरा वन हैंड में कितनी ताकत है, देख रहे हो? वन हैंड। ये हो गया भैया सारा सामान लोड हमारी ट्रॉली में, जो कि अब जा रहा है इसकी डेस्टिनेशन में, जहाँ पे बैठने वाला है हलवाई। और इस बार हलवाई हमारा ना तो फार्म पे बैठेगा, ना हमारे इस वाले घर में बैठेगा, ना हमारे इस वाले घर में बैठेगा। एक नई जगह पे इस बार बैठने वाला है हलवाई। तो आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा फर्स्ट टाइम वहाँ पे किस तरीके से हलवाई बैठता है, किस तरीके से वहाँ पे प्रोग्राम होता है। भाई ये देखो, इस लड़के का, हमारे का बेटे का हाथ इतना मोटा है, कड़ा इतना सा है, हाथ बिच रहा है। तो चलो आज इसको निकालते हैं, हाथ दबा के इसका। चलो देखिए बच्चा क्या कर रहा है। फ्लैश लाइट पर ध्यान निकाल दे, जल्दी से निकाल 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 दे। देख ले नजर गुजर के। अरे नजर गुजर के ठीक है, पर इतना टाइट बीबी कितनी टाइट पैर रखी हूं मैं। अरे फंस गई तो ना उतर रहा, टाइट है, बहुत टाइट है ना, निकल जाएगा। अब तैया को रेडी। आज क्या है? आज क्या है? आज क्या है? हाँ आज तो बर्थडे थोड़ी ना, बर्थडे गर्ल है। आज कुछ नहीं है, आज कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आज कुछ नहीं है, बंद कर दो कुछ। भाई ये देखिए, ये वही गाड़ी है जिसमें मोहित पवार जो है वो आई लव यू करता है। इसमें मोहित पवार क्या करता है? आई लव यू, आई लव यू। ये देखिए मैं कितनी बेहतरीन गाड़ी में आज बैठ गया हूँ आके, क्योंकि भाई हम लोग जा रहे हैं अब अपनी बहन को लेने के लिए। हमारी बहन जो है, अब देखिए बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सिस्टर भी आ रही है, रिश्तेदार भी नोते गई हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि बच्चे आ रहे हैं। अरे रिश्तेदार तो ना रहे, कल तो रिश्तेदार भी आएंगे। हाँ सब आएंगे और क्या। हाँ भैया, आज मैं पहली बार गाड़ी में बैठ रहा हूँ। उसकी गाड़ी है, समझ गया। मुझे पर्दा लगा रखा पीछे, देख खिड़की पे लग रही है। वाओ प्राइवेसी। और सीट में ये भी नहीं है पीछे वाले में, क्या नहीं है ये लग रहे थे। ये तो इसलिए है ना, स्पेस बनाने के लिए, क्योंकि बेहतरीन गाड़ी है ना, ब्यूटीफुल। मेरे पेट का आ जाए, मैंने नुंगू पुंगू भी बैठा हुआ है। चलो रे हाई कर दो, दोनों हाई करो। किस लिए आए हो तुम लोग हमें? हम यहाँ मगा बर्थडे मनाने आए हैं। पर तुम्हारा तो आईएएस आईपीएस का एग्जाम था, उसको छोड़ के आ गए तुम लोग? हम तो यहीं से जाएंगे स्कूल। तो स्कूल कल स्कूल जाओगे ना तुम? हाँ। चलो बहुत अच्छे, कल स्कूल जाना। कोई खामा खाएंगे, देखो दादी का प्यार देखो, अपने पोते पाती इनके लिए चिप्स खरीद रहे। तुम्हारी दादी देती है ऐसे चिप्स खरीद के तुम्हें? अभी नहीं देती। क्या भाई ये देखिए, अगले ही पल में अगर बज रहे हैं दोपहर के दो, कड़ाके की धूप एकदम, और मैं पहाड़ पे आया हूँ घूमने के लिए। देखिए कितना आनंद मिल रहा है। नहीं 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 सॉरी सॉरी, मैं घूमने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको प्रोग्राम दिखाने के लिए आया हूँ। ये देखो, जो मैं आपसे कह रहा था कि ना इस बार फार्म पे कर रहे हैं, ना घर पे कर रहे हैं, ना सामने वाले घर पे कर रहे हैं, इस बार हम कर रहे हैं एक डिफरेंट जगह पे। तो इस बार कर रहे हैं भाई, हमारे जो पहाड़ पे मंदिर है ग्वालिफा दादा, वहाँ पे हम लोग भंडारा कर रहे हैं पूरे अपने गांव के लिए, और अपने से एक और गांव कालिया का उस गांव के लिए, और अपने जो रिश्तेदारी हैं उनके लिए। तो वहाँ पे हम लोगों ने इस बार दादा पे भंडारा रखा है ये, और आप सब भी इनवाइटेड हैं। आप सब भी आकर भंडारे में प्रसाद ग्रहण कीजिए। मामा जी भी आ गए हमारे, और यहाँ चल लग गया है हलवाई का काम, बढ़िया था। भाई अभी मैं आया था पहाड़ पे से, मतलब मैं अभी जस्ट गया ही था ऊपर पहाड़ पे, अब फिर से पापा ने मेरे को नीचे भेज दिया था। रीज़न वाई भाई साहब, क्योंकि प्रसाद में जो बूंदी बन रही है, जो बनेगा मीठे में, भाई साहब उसके लिए दाल चाहिए होती है, दाल पीसनी, और लाइट आनी रही है। जिस दिन कुछ ना कुछ काम होता है ना, उसी दिन ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है लाइट का, तो कि भाई बस अब यहाँ पे हमको दाल पीसने के लिए मशीन वशीन लेकर आनी है। जनरेटर के लिए कह रहा है हलवाई, तो भाई जनरेटर लेके आओ, क्योंकि रात को मच्छर हो जाते हैं, और मच्छर हो गए तो फिर बूंदी में उसमें मच्छर आ जाएंगे गुलदाने में, तो इसलिए अभी लेके आओ। अब भाई जनरेटर तो पहाड़ पे लेके जाना तो भाई साहब बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए और कोई जुगाड़ देखते हैं।
दिनेश कहाँ ढूंढ रही हो चुकार बिजली को? दिनेश के दोस्त चले हो? देखिए चाय वाय की ठपरी दिनेश ने यहाँ ढूंढो जुगाड़ मस्त भाई, यहाँ जाएगा अपना काम। तार देखिए तार आ जाएगा ना। अब भाई देखो अभी हम आए, अब लाइट यहाँ भी चलेगी, अब 5 मिनट बाद यहाँ भी लाइट आई है, अब घर भी लाइट आ गई है। और पर मैं की पापा अब तो हमने यहाँ काम शुरू करा दिया, अब यहाँ पे करा करके जब काम आएंगे। लल्ला के यहाँ पे लल्ला के यहाँ। अब चलते हैं सोना सामान खरीदने के लिए, मैं अकेला हूँ जिसके ऊपर सारे काम का बोझ है, और मेरे साथ है फिर ये लोग भी आ गई हैं तीनों, क्योंकि क्या होता है कि अगर घर में कोई फंक्शन है चाहे कुछ भी भंडारा ही कर रहे तो उसमें पार्लर जाना तो जरूरी है। आईब्रो नैन्सी उसको मूंछ नहीं अपर लिप बोलते हैं, इतना मुझे पता है, अपर लिप बोलते हैं, आईब्रो बोलते हैं, फेशियल वैसे पता नहीं क्या क्या ट्रंक सटर। हाँ तो बहू आने के बाद में इतना तो पता लग जाता है कि अपर लिप बोला जाता है उसको। मैंने 10,000 रुपये को दे चुका हूँ। 10,000 तो अब हाल दूँ 10,000 रुपये तो अपने पैसे लगे हो, जो करवा के आएगा वो अपने पैसों से करवाएगा, ठीक है ना? कोई बात नहीं, वो तनु के पास इतना पैसा है कि तेरे पास नहीं। वो गुटी तो पता कितने रुपया की हो गुटी? तो 10 लाख चली जाएगी, 1.5 लाख रुपए की गुटी थी, तो 10 बार चली जाएगी, कहाँ है रो? नंजमान कोई मान ले नहीं। चलो भाइयों पर छोना चलते हैं, पहुँच के भाइयों सब्जी खरीद लें यहाँ पे एक ही बार में, ये की दुकान में पूरा सब्जी लिखवा था और उसी पे से लोड करा के गाड़ी में, उसके बाद में पत्तल वत्तल और ये जो और सामान है वो सब लेना है। बाकी सब्जी में इसमें जैसे आलू का झोल है, आलू का झोल इन द सेंस आलू पानी वाला रस वाला जिसको आप बोल सकते हैं, तो उसके लिए सब्जी लेने के लिए आए हैं, अदरक वगैरह। ये भाई अपनी सब्जी वब्जी निकल गई है, पेठा पेठा आलू वालू और सारी लोड यू कहाँ कर दिया, तो संतरी कर दी गाड़ी। अभी तो पत्तल वत्तल और आ रहे हैं, उन्हें कहाँ रखेंगे जो और सामान आ रहा हो? और आपने बहुत दिनों बाद ऋतिक के दर्शन करे होंगे, ऋतिक जी धन्यवाद आपका आने के लिए। चलो गाड़ी में तो पूरा सामान मार दे के पूरी पूरी गाड़ी हमारी फुल होगी, इसलिए हमको यहाँ पे 200 रुपीज़ में ई रिक्शा करना पड़ा जो कि हमारे पूरा घर तक सामान छोड़ पा जाएगा। देखो इतना सारा सामान हो गया गाड़ी में, कहाँ से आ जाएगा भाई? देखो गाड़ी में बिल्कुल जगह ना रही है, पेप्सी और ये सब भी कहाँ रखना पड़ रहा है, देखना ये सब भी इधर बैठी है बेचारी, और सामान पूरा इनके सिर तक आ रहा है। हाँ दिख गई आपकी सिल दिख गई जी, और अभी और सामान लेने के लिए खड़े हैं वहाँ, और एक ई रिक्शा लोड करा दिया। ये है एंडेवर का बूट स्पेस का, आज यहाँ पे टेस्ट हो रहा है प्रॉपर वाले। दीदी छपरी यहाँ पे देखिए हमारी गाड़ी के साथ में, ये कौन आ गई फोटो खिंचाने के लिए? हम लोग केक वगैरह लेने के लिए क्या चले गए तनो? ये देखो है मतलब कोई भी गाड़ी देखी नहीं अच्छी सी और आ जाते हैं फोटो खिंचाने के लिए। भागो यहाँ से, इसको 10-20 रुपए दे दे, 10-20 रुपए दे के इसको भेज दे यहाँ से। गाड़ी घर पहुँचने के बाद में अब ये देखो अरुण का बर्थडे जो सेलिब्रेशन होगा वो छत पे होगा, इस चीज़ से अरुण को कोई भनक नहीं है, तो उसके लिए टोटली सरप्राइज रहेगा। अब तुम वो अपने हिसाब से करवा लेना जैसे तुमको कराना है, मैं जा रहा हूँ भाई फार्म पे क्योंकि वहाँ भी मेरे को काम है अभी। हाय हैंडसम, कैमरा चालू है। हाय यश, यश फ्रॉम चंडीगढ़, यश फ्रॉम फरीदाबाद, छपरी गैंग का एक मेंबर है ये, देख सकते हैं आप आज ये पूरी छपरी पंती सफ़ेद कलर की चप्पल है। यहाँ आरुण, यहाँ देखो भाई लाइट अभी भी ना आ रही है, हाँ बर्थडे बॉय, और यहाँ फिर से लाइट जला रखी है। अपने चैनल का पासवर्ड याद आ गया क्या? सॉरी ब्रो मैं डालता हूँ, और आज भी बहुत अच्छा कंटेंट है इसलिए और लाइट नहीं आ रही है। फिर हम गाड़ी दो गाड़ी लेकर आके एंडेवर ले आए और ये से भी ले आए और यहाँ पे लाइट दिखा रहे हैं। भाई तो मिलवा, तू मिलवा, तू मिलवा भाई को, राम राम। बिल्कुल राम राम भाई, आज हमारा अपना ड्यू पीने का 75वां दिन है, पेड़ देख सकते हो कितना बारीक को आ चुका है, आप भी जरूर पिए और ऐसे ही बढ़ाते। हमारा गांव और बिना बिजली के तो बहुत सुंदर लगे, देखे कते हिमाचल शिमला से लग रहा हो, कते शिमला तो कम नहीं लग रहा है। आज तक ऐसी ब्यूटी देखे कभी नहीं भाई? ओके थैंक यू।